नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच 7 जनवरी से सिडनी के मैदान पर खेला जाना है। इसको लेकर सोमवार को भारतीय टीम सिडनी पहुंच गई। हालांकि भारतीय टीम के लिए यह हफ्ता काफी विवादों से भरा रहा है, जहां पहले भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों को बायो बबल नियम तोड़ने के उल्लंघन के चलते आइसोलेशन में रहना पड़ा, तो वहीं होटल के खाने के बिल में बीफ का नाम आने के बाद उन्हें ट्रोल भी होना पड़ा। हालांकि इससे पहले रोजाना नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। अभी भारतीय खिलाड़ियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का मामला शांत नहीं हुआ था कि अब सिडनी में भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आ गया है। खबर है कि सिडनी में एक ठग ने टीम इंडिया के साथ डिनर कराने के नाम पर क्रिकेट फैन से लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए। ठग ने सिडनी के एक रेस्टोरेंट का नाम इश्तिहार में छापा, जिसमें एक टिकट की कीमत तकरीबन 40,000 रुपए थी। ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय अखबार डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी में खेले गए वनडे के दौरान एक ठग ने इश्तिहार बांटा और 5 जनवरी को टीम इंडिया से मुलाकात कराने की बात कही। इस एड में उसने सिडनी के एक बड़े रेस्टोरेंट का नाम भी इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 250 लोगों ने टिकट बुक की थी और ठग अब सारे पैसे लेकर फरार हो गया है। वहीं एड में जिस रेस्टोरेंट का नाम इस्तेमाल किया गया, उसे डर सता रहा है कि टिकट खरीदने वाले लोग उसके होटल में आकर बवाल मचा सकते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, टेस्ट सीरीज इस वक्त 1-1 से बराबरी पर है और सिडनी टेस्ट मैच को जीतकर दोनों ही टीमें सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।